Take live now. So let's see. Today's session is going to be with Zeeshan, Hayat, and I will remind you guys that I think I have few guys already coming live. So let's see what these guys are saying. और आप लोग अभी यार हमारे साथ हैं I'm gonna start the session now with hello guys how are you so क्या हो रहा है यार लोग हैं live thing और आ रहे हैं live I have a great program today where we have Zeeshan Hayat who's very famous in After 2008 and that time with his band Feedback and then Rasam and then his solo career now. So, bahut hi umda artist hai yaar. I mean, he has done such great work. Aur wo last year tour pe bhi aaye with USA. Unhine 14 shows kiye hain yaar. And also, I mean, not to mention that he's a younger brother of Mehvish Hayat and Afshin, who is also a very good talented singers and artists so we'll be taking him live and let's see who else are there so Zeeshan how are you man I'm fine how are you pretty good kaisa lag raha bhai I mean we have few folks we'll be starting now and definitely people will be joining with us so sure. क्या कर रहे हैं क्या हाल है आपके यार वी स्पोक अ लिटिल बिट बिफोर द शो तो इतना बता नहीं सके लेकिन आई वांटेड टू रिमाइंड एवरीबॉडी कि आप क्या हैं मैन आई नो यू आर अ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट और हम लोग इस ग्रुप में शुरू में हमने बड़े पहले सीनियर आर्टिस्ट को भी लिया और बीच बीच में हम लोग और भी सीनियर आर्टिस्ट को ले रहे हैं बट माई गोल वॉज ऑल्सो टू ब्रिंग इन द न्यू ब्लड यू नो जो आप हैं और आई थिंक आप राइजिंग स्टार हैं और मुझे बहुत होप है कि आप जो है बहुत ऊपर जाएंगे क्योंकि द द द द द पर्सनालिटी यू हैव एंड द हम्बलनेस यू हैव आफ्टर इवन बीइंग सच अ गुड आर्टिस्ट एंड फैमिली जिससे बिलोंग करते हैं आप लोगों ने मेहनत की है आई मीन आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब तो यार आप मिसबा यार क्या आप मिसबा आपको देख रहे हैं ही इज सेइंग बेस्ट ऑफ लक यूसुफ तो आपके दोस्त आएंगे ऑनलाइन आपसे बात करेंगे और आवर गोल इज कि जितने लोग भी आ सकें और आप यार बताओ कि मैं असल में आपका इंट्रोड्यूस कराया था मैंने फीडबैक आप अपना बताएं हाउ आर यू फीलिंग मैं चुप हो जाता हूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ग्रुप एंड क्या आपको लग रहा है I'm so happy, यार, I'm excited. ये तो आप लोगों ने ये बहुत पहले कर देना चाहिए था काम आपने बड़ा लेट शुरू किया लेकिन लेट देर से आए दोस्त आए ये जो आपने ग्रुप बना दिया ना ये बहुत जरूरी था ये बनना बहुत जरूरी था और जिसमें आप खालिद भाई हो गए रेहान भाई हो गए ये सब जो एक पायनियर है आप लोग सारे और माशाल्लाह आप लोग म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज बहुत पहले भी अगर हो जाती तो भी अच्छा था लेकिन अभी भी अच्छा है कम से कम नए लोग और जो नए लोगों को पुराने लोगों का नहीं पता उनको उनके बारे में नॉलेज हो इंफॉर्मेशन हो कि क्या म्यूजिक था या क्या म्यूजिक करते थे ये था म्यूजिक
यार आपने नाम लिया अहमद रेहान का, खालिद भाई, ये तो मेरे भी सीनियर, मैं अपने को अपने सीनियर मानता हूँ। इवन दो मैंने स्टार्ट लेटर किया था म्यूजिक में, बिकॉज ऑफ क्या होता है, लेगेसी होती है, राइट। घर में कोई बजा रहा है म्यूजिक तो आपने देखते हो यार कि यार मुझे भी बजाना है। तो मेरा भाई, बड़ा भाई रजा बेग जो है वो 80s से बजा रहा था, उसमें एक ग्रुप था बॉयज, और उसके अंदर अली हैदर भी उनके साथ सिंगर थे। इवेंचुअली माय ब्रदर वेंट इनटू एक्टिंग एंड देन लेफ्ट एंड केम टू यूएस, देन आई सेड मैन आई गॉट अ जॉइन, राइट। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने, आपने बताया कि फवाद के साथ आपने बजाया, मेरा पहला बैंड था डोमिनोज जो मैंने फवाद के साथ, मुबशिर फवाद, हम लोग ने बैंड बनाया था क्लिफ्टन में। हम उस वक्त बर्गर हो गए थे क्योंकि मैं अक्रॉस द पुल चला गया था, तो मैं रॉक हो गया था बिल्कुल, राइट। तो मैंने उधर बजाया। फिर मैंने अली टीम भाई आ गए मेरे रेस्क्यू पे, तो मैंने माइलस्टोन ज्वाइन कर लिया, राइट। आपके साथ क्या सीन हुआ? आप महवेश हयात के ब्रदर भी हैं, अफशीन भी इज अ ग्रेट सिंगर, वो काया बैंड में है अफशीन हयात, आप कैसे इसमें आया? ये यू स्टार्टेड अर्ली ऑन, मुझे आपने बताई स्टोरी पहले कि जियाद के आप आते थे बैंड सुनने, क्या होता था क्या बताएं यार, अपनी हिस्ट्री बताएं। मेरा जो स्टार्ट है म्यूजिक का, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली म्यूजिक का मुझे शुरू से शौक था बहुत ही, कीबोर्ड मैं प्ले करता था, सीखा मैंने किसी से नहीं था, लेकिन एक होता ना लिसनिंग पावर जो होती है आपकी, एक गॉड गिफ्टेड वाला, तो आप कुछ भी सुन के कॉर्ड्स निकाल लिया, बाकी इंटरनेट बुक्स ये आपको बहुत हेल्प करती है। एक रॉबिन भाई का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, अरे तो, वाह क्या था इंटरव्यू, नजीब ने किया था यार जबरदस्त, और खालिद भाई से स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। और आई एम रियली हैप्पी कि कल आपने रॉबिन भाई को भी बुलाया था, रॉबिन भाई थे, और इतनी जबरदस्त बातें हो रही थी, मैं देख रहा था जब जो रिपीट पे चल रहा था उस पर। तो इनकी जैम होती थी जौहर में, लॉन्ग लाइफ बैंगलोर में, कॉर्नर हाउस था, फरुख आई थिंक कजन थे, फरुख जॉन जॉन मोहर, जॉन मोहर मैन, ये पायनियर्स हैं। आई रिमेम्बर ब्लू कलर का यामा का ड्रम था, बड़ा खूबसूरत के बस आप, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक्चुअली ड्रम्स और कीबोर्ड से स्टार्ट किया, तो फरुख के साथ मैं अक्सर हम लोग जैम करते थे, तो फरुख डिस्ट्रिक्ट होता था हमारे पास, मेरे पास पियानो था, तो हम लोग संडे को गेट टुगेदर जैम होती थी और गाने कवर्स करते थे, इंग्लिश सॉन्ग्स जो है वो हम कवर्स करते थे। तो फरुख ने मुझे बोला मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा रॉबिन भाई से, लेकिन ये कि तुम हम छोटे थे उस टाइम पे, इतना हाँ नहीं, लेकिन ये कि शौक बहुत था कहीं पर भी म्यूजिक सुनने को मिल जाए या कहीं से सीखने को मिल जाए। तो हम जाके वहां बैठ गए और जैम हो रही होती थी रैम एक रूम में, और हम साइड पे बैठे हुए कुछ बोलते थे, तो फिर जब जैम खत्म हो जाती थी तो हम ये होता था कि ये अगर थोड़ा सा चाय के लिए बाहर निकलेंगे तो हम थोड़ा सा हाथ लगा लें इंस्ट्रूमेंट्स को, ड्रम्स को, तो ये होता था कि यार सुन ना ले। तो हम ड्रम्स पे मैंने बजाना शुरू किया और रॉबिन भाई ने सुन लिया, अंदर आ गए, बैठो बैठो क्या बजा रहे थे, बैठो जरा। मुझे लगता है जितने म्यूजिशियन है बड़ा दिल से बहुत हम्बल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं आई थिंक जो आर्टिस्ट होता है। तो उन्होंने फिर मुझे दो तीन टेक्निक्स बताई और मैंने उधर उसके बाद मैंने जैम करना शुरू की, मैंने अपना ड्रम खरीदा, ड्रम्स बजाना शुरू किया, फिर मैंने वहीं रज़्म जो बैंड है वो वहीं पर। मैं तो आपको बता था, मैं तो आपका फैन, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने वो बैंड में थे यार। आई मीन लिटरली मैं आपको गाना सुना था यार, ये आपका गाना है, आपने बोला, मैंने कहा यार मैं तो बच्चों को सुना सुना के पागल कर दिया मैंने वो चेहरा, और उसके बाद फीडबैक में आप यू आर द मेन गाय इन द बैंड, और उसके बारे में कुछ बताया मैंने, हाउ डिड यू जंप इनटू द फीडबैक में उमर तरीन, नहीं फीडबैक में रज़्म में जो है उमर तरीन एंड खालिद भट्ट, उमर इकराम और मैं था, तो हमने रज़्म के कॉन्सर्ट्स बड़े किए अंडर, उस टाइम पे तो अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स होते थे और आप अपने टिकट्स खुद ही सेल कर रहे होते थे, खुद ही रंगून वाला हॉल किराए पे लिया और जाके दोस्त आपके अपने होते हैं जो आगे ज्यादा नाच रहे होते हैं, और बाकी जो है हम 50 रुपए का टिकट 100 रुपए का टिकट मिल गया तो बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। फिर ये हुआ कि देखिए म्यूजिक ये सारे अपनी फील्ड उसमें हमें आउटपुट इतना ज्यादा मिला नहीं, हमने एक हद तक एल्बम भी की प्रॉपरली, गए लाइव ऑन एयर टीवी पे भी परफॉर्म किया, हमने लाइव शोज भी किए, लेकिन ये कि फिर अपने फैमिलीज के भी इश्यूज होते हैं,
Khalid jo hai wo apni Khalid he moved in China or something and Umar jo wo Abu Dhabi mein hai I think unka apna business hai to phir thoda sa aapko lekin mujhe basically music hi karna tha main usko uske baghair nahi reh sakta tha to maine feedback phir start kiya aur fine feedback se pehle the rubber band agar yaad ho the rubber band right not the Ahmed Ali Bhatt wala because rubber band naam tha hamara aur us un dinon mein ep khatam hua tha ep end hua tha jis raat ko to I think ye pehle se chal raha tha ki rubber band wo log bhi bana rahe aur humne to bada us tarah ka tha thoda sa linking park type ka kyunki rapper bhi tha aur ek properly hamara tha aur hamari pehli video ki thi farhan nadeem ne nadeem sahab ke jo bete hain farhan nadeem oh unhone hamari ki thi aur wo video im pe gayi aur im pe तकरीबन आई थिंक 10 दिन बाद वो वीडियो रुक गई बैन कर दी गई वो वीडियो आई डोंट नो व्हाई बिकॉज़ ऑफ द नेम उन्होंने कहा कि जी नेम जो है वो एक वहां पर भी है लाहौर में बैंड है और उन्होंने कहा ये हमारा नेम है और इस नाम से आप नाम चेंज कर लें तो फिर वो द रबर बैंड के नाम से हुआ लेकिन फिर इस तरह की चीज स्टार्ट में थोड़ा सा इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो गई लोग कहते थे कि ये कौन से वाले रबर बैंड का गाना है और ये है उसमें भी आपको पता है कि जब चार पांच बैंड मेंबर्स हैं उनको साथ चलाना साथ चलना सो हार्ड बिकॉज़ जैम पे टाइम पे पहुंचना और जैम पे अगर कोई पहुंच रहा है तो नहीं पहुंच रहा बहुत सारी चीजें होती हैं और ऐसा ऐसा बिल्डअप होती रहती है तो फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर बैंड खत्म हो जाता है आफ्टर दैट मैंने फीडबैक स्टार्ट किया फीडबैक में मैंने एल्बम हमने रिकॉर्ड करना शुरू की जिसमें आहत नयानी ड्रम्स पे थे अपना फोक स्टूडियो गिटार्स पे मैंने थे शहरी अपना बेसमेंट नेस्कैफे बेसमेंट जो जिसमें लाइक व्हाट टैलेंटेड गाय मैन ही सो या ही टैलेंट उन्होंने वो गिटार्स पे थे मैं वोकल्स पे था बेसिकली गाने सारे मैं ही करता था डिजाइन लगता भी मैं ही था म्यूजिक भी सारा तो हमने वो स्टार्ट किया और उसके बाद एल्बम कंप्लीट जब ऑलमोस्ट हो गई तो फिर रिलीजिंग का जो आपको पता है इशू होता है कि इधर से उधर की और रिलीज आते पड़ते हैं बड़े भीख मांगनी पड़ती लोगों को और पता नहीं क्या क्या आदमी को किस किस आदमी से हम लोग को वो करना पड़ता है कि यार इससे भी हमें भीख मांगनी पड़ती बिल्कुल तो उस चक्कर में एल्बम थोड़ी सी रुलना शुरू हो गई और एल्बम रिलीज नहीं हो सकी प्रॉपरली तो फिर वो सोलो ट्रैक्स कभी इधर हो गया कभी इस वेबसाइट पे हो गया कभी इधर हो गया किसी चैनल ने चला दिया एक वीडियो तो वो इसी तरह हो गई फाइनली फिर मैं डिसाइड किया फिर ये भी ऑफकोर्स उन्होंने भी थोड़े से अपने प्रोजेक्ट्स करने लगे तो मैंने सोलो अपना एल्बम जो है उसको कंटिन्यू किया ऑलमोस्ट डन एल्बम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सून उसमें क्या फीडबैक के भी गाने होंगे कि नहीं या तुमने रीडू किए फीडबैक जब बनाया था ना बेसिकली बैंड का नाम हम रखा था परमानेंट एक बैंड नहीं था वो अच्छा उसका फैशन प्लेयर थे एक्चुअली तो ये होता था कि हमें शोज हम चाहते थे यार ये गाने डिजाइन हुए हैं हम इसको इतना पक्की जैम कर लेंगे हम जब लाइव जाए ना तो एज इट इज ऐसा लगे कि यार ये सीडी चल रही है इतनी अच्छी प्रैक्टिस तो हम उसको जैम करते थे हमने शोज भी किए बहुत शोज किए और उसके बाद फिर शहरी जो है वो लाहौर मूव हो गए नेस्कैफे से वहां से आ गई तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू मोस्टली सेशन प्लेयर्स पे जो है वो मैंने एक्सपेंड किया कि अच्छा तो यार उस ये मैं आई मीन व्हाट आई हर्ड फीडबैक राइट जब मैंने सुना था 2008 में आई थिंक जब मेरे जब से मैं फैन हूँ राइट उसके बाद मैं ढूंढता रहा मैंने कहा यार ये फीडबैक कौन है क्या है और मुझे पता ही नहीं मैं कल आपसे बात कर रहा हूँ मैंने कहा यू आर द वन तो इट वॉज अमेजिंग तो कुछ आप बताएं कि आई मीन के आई हर्ड योर आई सॉ द वीडियो दैट यू गेव मी यस्टरडे उसमें दोबारा चेहरा आपने डिफरेंट तरीके से किया है और बिल्कुल क्योंकि देखें आप हर रोज एक नई चीज सीखते हैं एज अ म्यूजिशियन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट बिकॉज आप जब एक चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं ना और उसके 10 दिन बाद आप दोबारा वो सुनते हैं तो आपको अपनी गलतियां नजर आना शुरू होती है यार इसमें मैं ये भी कर सकता था इसमें ये भी कर सकता था ये हमेशा होता है आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते जो जो सेटिस्फाई हो गया इट्स मीन कि वो फिर काम ही हो गया उसका तो मुझे अपने ट्रैक यार ये थोड़ा सा उस हिसाब से अनमेच्योर मुझे लग रहा है अब जो म्यूजिक है उसके हिसाब से मैं दोबारा उसको आपको रिवॉल्व होना होता है एंड आई सॉ योर न्यू वीडियोस आपने इन्वेस्ट किया यार
I mean, there's a lot of money and videos में invest करा and I know that आप पाकिस्तान में अभी बहुत और काम कर रहे हैं and what you did you are doing a lot of jingles and lot of music production. So I'm also doing lots of you know the OSTs and jingles and you know so that's my side business. Wow, that's awesome. और फिर आपका हयात एक एक name है जो इतना बड़ा name हो गया है. So you have a band भी उसके उनके साथ भी tour अभी आप लोग आए थे तो आप how was your tour in America? क्या आपको awesome. I mean actually Dallas में तो आपकी और मेरी मुलाकात भी हो चुकी है. वहीं से मैं आपको जाना हूँ. मैं तो पागल ही हो गया था लेकिन सुन के आप लोगों को तीनों को मैंने कहा यार इतना जबरदस्त गा रहे हैं ये लोग. बिल्कुल बिल्कुल. तो असल में हम लोग आए थे सिर्फ 6 शोज की हमारी लाइनअप हो रहा था लेकिन वो शोज बढ़ते बढ़ते 14 शोज हो गए. सो सक्सेसफुल टूर बहुत ही मजा आया और हर स्टेट में हमने परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह अभी मैं मेरा यूके का टूर है. अच्छा ऑस्ट्रेलिया का एक लाइनअप हो रहा है उसके बाद फिर मैं यूएस का दोबारा से हमारा एक और चल रही है. अभी हम लोग तीनों जा रहे हैं वो क्योंकि अफशीन आई नो अफशीन को अभी हम लोग मात से बात कर रहे थे कि वो एक काया बैंड का हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे बट अफशीन डूइंग सोलो आल्सो और आई मीन आई एम गोना आस्क ऑल दैट फ्रॉम हर बट काया एक बिल्कुल वो काया के साथ ही कर रहे हैं उनके अपने टूर्स लाइनअप हो गए. आई थिंक लोग अभी यूरोप टूर पे भी जा रहे हैं. दैट्स व्हाई वो रिटर्न नहीं कर रहा कॉल हम लोगों की. यार मात क्या चक्कर है. हमने बोला यार नहीं परसों तो इमाद और मैं साथ ही बैठे हुए थे तो मैंने कहा था यार मेरे कल की बात आए थे तो इमाद के साथ ही बैठे हुए थे क्योंकि मैं एक दो ट्रैक्स मैं कर रहा हूँ इमाद के साथ ही मिलके. तो उसमें जब जब दो तीन म्यूजिशियन साथ होते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर साथ होते हैं तो अच्छा रहता है क्योंकि पहले देखिए पहले ये होता था कि मेरा अपना स्टूडियो था पहले भी तो उसमें ये होता था बहुत सारे बैंड्स आके गेट टुगेदर जरूर होती थी चिट चैट जरूर होती थी यार यार हम गाना रिकॉर्ड कर लें पैसे इतने कम है इसमें कर लें तो हो जाता था एक दूसरे को सपोर्ट करते थे मजा आता था. तो उसमें आपको काम भी फिर ज्यादा मिलता है एक दूसरे को जानते भी है फिर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते कि यार अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस बैंड को भी आप एंट्री दे दें इस बैंड को भी डाल दें तो ये सारा चक्कर होता था. अब दोबारा अब थोड़ा सा चक्कर ये होगी कि हर कोई अपना बिजी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है टाइम नहीं मिलता मिलने का बहुत ही हार्डली अगर आप स्टूडियो में सेशन कोई हो रहा है तो मुलाकात होगी अदरवाइज ऐसे टाइम नहीं होता कि आप वो होटल में चाय पीना चाय पराठा खाना वो जो टाइम था और करना पैसे कौन देगा उन्होंने खाया उसके पैसे कौन देगा तो ये वो चीज अब नहीं होती. तो इमास के साथ में अक्सर ये होता है कि कभी सेशन में बैठते हैं. अभी मेरे दो ट्रैक में कर रहा हूँ तो इमाद ने भी उसमें उनका भी पार्ट है इसमें म्यूजिक में तो हम दोनों मिलके इस ट्रैक को कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सुनने को मिलेगा. तो क्या आई मीन कुछ यार अपना तुम्हें जो कुछ हमें सुना के दिखाओ यार. आई मीन डू यू वांट टू से समथिंग सिंगिंग कि हमें कुछ अपना नया वर्क या पुराना वर्क कुछ अपना बताओ यार हमें क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ गाइज वॉचिंग यू राइट नाउ. आई थिंक अभी हमारे क्या होता है कि ये हमने जो जब से ही शुरू किया है तो हमने देखा है कि ये बार बार लोग जाके सुनते हैं और दोबारा जाके इवन द शो एंड्स उसके बाद भी लोग जाके देखते हैं फिर शेयर करते हैं तो एवरेज 2 to 5,000 व्यूज हो जाते हैं इस सेशन के ऑल से. तो क्या होता है कि फिर हम लोग उसको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं. बोले मेरे फोन पे थैंक यू सो मच I love you and you are really a legend यार. आप लोग जिस तरह म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे हैं खालिद भाई रेहान भाई आप नजीब एक एक माशाल्लाह से एक क्रीम है जो मिलके जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं लोगों को सब और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ये म्यूजिक भी था जिस तरह सुन ले ये काम भी हो चुका है और ये हमारा पाकिस्तान का ही म्यूजिक है. म्यूजिक जो है वो तो उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना अगर हम किसी और से आप देखें कंपेयर करें तो I mean, आप इवन पढ़ो इंडिया में या यूएस के म्यूजिक में भी देखें कि there is always a uniqueness from a location, right? तो वो एक हम लोग का एक अलग स्टाइल है. हम लोग का जैसे एक बड़ा फिनिश प्रोडक्ट डिफरेंट आता है बनस्बत आप दूसरी जगह के लेते हैं और हमारे आई थिंक अगर हमारे फैन उसको अप्रिशिएट करने लग जाए ना और मुझे तो लगता है कि म्यूजिशियन जो इंडस्ट्री है जो आर्टिस्ट है अगर वो एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो इवन फैंस नहीं करेंगे आपको. मैं तो हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप म्यूजिशियन है यू नीड टू सपोर्ट द अदर म्यूजिशियन चाहे वो आपसे बेहतर हो या बकवास हो या अच्छा हो बुरा हो यू नीड टू सपोर्ट एवरीबडी मैन बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क टू कम आउट विद समथिंग.
डेफिनेटली बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि अगर हम अपनी कम्युनिटी को नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो बाहर वाले ने तो करना ही नहीं, नहीं तो अपनी अपनी जड़ें जब मजबूत होंगी ना तो फिर दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। हम हमारा म्यूजिक यार आप देखें ना, हमारा ही म्यूजिक तो जा रहा था बराबर में, और क्या था उनके कुछ नहीं है ना, मतलब आप वही कॉपी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, वही म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है नो डाउट फिल्म म्यूजिक नो डाउट बहुत, लेकिन आप जो हमारी अगर पॉप जो हमारा म्यूजिक है वो नहीं कर सकते नहीं अब कर। आप कर रहे हैं, आप लेके भी जा रहे हैं आर्टिस्ट, आप कॉपी भी कर रहे हैं और आप अपने आर्टिस्ट भी बिल्ड इसी तरह कर रहे हैं कि जो आप देखते हैं तो आपको लगता है यार म्यूजिक हमारा ही वाला म्यूजिक लग रहा है, तो चीजें ये तो फैक्ट है, फैक्ट है। अभी मैंने क्या मुझे तो लगता है कि जैसे आप इस पोजीशन में अभी हो कि आप जैसे लोग जो ना पिकअप हो सकते हैं दूसरी इंडस्ट्री में, इवन पाकिस्तानी फिल्म आपको पता है कितनी अच्छी चल रही है आजकल, तो आपने सोचा है कभी उसके अंदर प्ले बैक करने के लिए या गिविंग योर म्यूजिक टू देम और समहाउ? मुझे मुझे अभी एक फिल्म के सॉन्ग के लिए आया हुआ है प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी थोड़ा सा भी वो समझ रहे मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यू गेट दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि आपकी जो रॉ वॉइस है ना, आई मीन आई नीड दीज गाइस टू लिसन टू यू मैन, कुछ तो सुना दो यार अभी आप जो चाहो यार, क्योंकि वी वांट यू टू बी लाइक प्रोमिनेंट हियर। मैं आपको अपना जो तुमसे प्यार अभी जो आई थिंक वीडियोस चल रहा है सुना देता हूँ, फिर हम बीच में देखते हैं कुछ और भी कवर सॉन्ग्स भी कर लेते हैं, राइट? हो गया तुमसे प्यार कर लिया एतबार, हो गया तुमसे प्यार मेरी यार, हो गया तुमसे प्यार कर लिया एतबार, हो गया तुमसे प्यार मेरी यार, हो गया देखा जब से ये चेहरा तेरा दिल मेरा अब ना मेरा रहा, कोई तुझसे ये कह दे जरा दिल का आलम है क्या, ओहो ये जो भोली सी तेरी हंसी दिल में मेरे ये घर कर गई, तेरी आंखों में कैसा नशा इरादा है क्या, बोलो ना हो गया तुमसे प्यार कर लिया एतबार, हो गया तुमसे प्यार मेरी यार, हो गया। क्या बात है यार, जबरदस्त। दिस इज आई मीन इसके पीछे क्या था, आई मीन इस गाना, आई मीन व्हाट इज द, आपने कब किया था ये क्या? एक्चुअली मैं बता दूं, ये लास्ट अभी हम जब टूर के लिए आए थे यूएस, तो दैट मेरा रॉ मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था आई थिंक टूर से 3 दिन पहले, और मैंने ये फोन में रफ जो है रिकॉर्ड करके ले गया था मैं, और जब हाफ जो वीडियो वेगस में शूट हुई भी है जी, तो हमने मैंने सोचा यार एक दिन है हमारे पास, हम वहाँ वीडियो शूट कर लेते कुछ, और जो अगर जो रह जाएगा तो फिर हम यहाँ आके कर लेंगे, तो मैंने शूट कर ली थी वहां पर वीडियो, हमने पूरा लाइनअप किया एक दिन का, और जब वापस आए तो मैंने इस ट्रैक को फाइनल किया और फिर बाकी जो है वो शूट करके, और ये इसकी स्टोरी है। लेकिन लोग तो मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ आपको, यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त यार, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरी मैं बहुत घबरा जाता हूँ ये सारे आर्टिस्ट के सामने। ये अहमद रियान कह रहे हैं गुड शो यूसुफ ऑसम ज़ीशान कीप शाइनिंग ब्रो, कामरान जिलानी यू नो कामरान जिलानी लाइक एडिट जोन का कीबोर्डिस्ट भाई, कितना हमारे पुराने, और वो कह रहे हैं वेरी नाइस। मिसबा कह रहे हैं यार सीक्वेंस के इट इज सो फन टू वॉच हैविंग एन आर्टिस्ट और टू एवरी नाउ एंड देन ऑन दिस, आई थरली एंजॉय पीएमई 90s। और फिर आपके साथ हैं हमारे नजीब फारूकी, वो भी हमारे मॉडरेटर, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क ज़ीशान अहमद से, तालिब शिरवानिया साहब अस्सलाम वालेकुम। तो
जबरदस्त शो, और रॉबिन भाई की कल मेरे शो में आए थे, आपने चाय पी उनके साथ कि नहीं? सलमान आब्दी डैलस से कह रहे हैं गुड जॉब यूसुफ एंड ज़ीशान, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी डैलस में आपकी। क्योंकि क्या होता है कि यार ज़ीशान, मुझे लगता है कि जब आप लाइव नहीं सुनो ना किसी बैंड आर्टिस्ट को, जब तक उसकी ट्रू वो नहीं पता चलती। और मैंने देखा था जब शो आप लोगों का, इट वॉज टाइट, आई मीन इट वॉज ऑसम, क्योंकि आपके साथ दूसरे बैंड मेंबर्स भी थे, लेकिन आप लोग ने बहुत अच्छा सॉलिड कर दिया था। जो भी, क्योंकि उस वक्त हैपनिंग इतना हो रहा होता है, लोग नाच रहे होते हैं, उसके बावजूद करना बड़ा मुश्किल होता है यार। बट यू गाइस डिड एन ऑसम जॉब आई थिंक। तो आई मीन मुझे बताया था आपने कि ये भाई कौन अच्छा यार, ये बड़े नहीं है कामरान भाई, बड़े नहीं है कामरान, हम लोग सब एक ही जितने। तो कामरान जिलानी नेक्स्ट मैं आपको लेने वाला हूँ लाइव। अरे ज़ीशान व्हाट्सअप, काम ही आ गया यार, सोचो कामी, क्या बोला था कामी ने आपको? लव यू, लव यू, मिस यू ब्रदर, मिस यू। ओके कामी, वो मुझसे बात हुई थी ज़ीशान की, वो बोला है तुम्हारे से काम करना है उसको नेक्स्ट टाइम आके डैलस में, इंशाल्लाह बिल्कुल। ऑलराइट मैन, तो अच्छा कामरान जिलानी को हम लोग लेंगे लाइव, अभी ये वो हम लोग का प्लान हो रहा है कि उनको भी लेंगे। फिर मेरा नेक्स्ट शो है वो लाइव वायर्स के साथ है, वो आई एम वन ऑफ द पायनियर्स 90s के, उन्हीं ने भी बहुत गाना गाया। अभी इमरान और सरोज से मेरी बात हुई थी, अनफॉर्चुनेटली आवर प्रोग्राम गॉट डिलेड फॉर सम फैमिली इश्यूज से, उनका डेथ हो गई फैमिली में लोगे, तो विल डू इट अनदर टाइम। बट आप मुझे बताओ यार, व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू फ्रॉम दिस 90s, या जब से आपने बताया था उसके बाद आपने व्हाट इज योर नेक्स्ट फ्यूचर में, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या गाने आपने प्लान किए, कुछ सुनाए हमें उसके बारे में, फिर हम विल गो इनटू कवर सॉन्ग यू नो। देखिए म्यूजिक अगर आई डोंट नो कि आप लोगों को तो आई थिंक याद होगा वीजे एक शो आता था एसटीएन से, यप मुझे तो याद है। और वो चीज ऐसी होती थी कि वो आई थिंक संडे को आता था आई थिंक सर, और वो टाइम जो होता था कि जी बैठे हुए उसमें 10 गाने आएंगे और वो 10 के 10 जो गाने वो हिट ही है, क्योंकि उस टाइम पे म्यूजिक का सीन इतना, वीडियोस तो बड़ी बड़ी बात थी कि वीडियो नदीम जाफी और इनके गाने हो गए, फराज अलवर, कोलाज, तो ये कोलाज यार क्या, ये ऐसे मजेदार के सुन के मजा आता था, और वो लॉन्ग हेयर्स और ये ना, तो उस टाइम यार बड़े बाल रखने हैं यार, बिल्कुल इसी तरह गिटार बजाना है यार, ये तो बड़ी अनवर के साथ क्या, आई मीन क्या हुआ, आई मीन आपने बताया था मुझे चाय वाला सीन, और फराज तो डेफिनेटली एक एक अपने अंदर में ही एक इंडस्ट्री, एक फराज तो माशाल्लाह से इतना बड़ा नाम है कि जो एक बैकबोन आप कहते हैं म्यूजिशियंस आपकी अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक की जो है वो बैकबोन है नो डाउट। फराज का मैंने वो टाइम भी देखा है फराज की जैमिंग, के वो बंदा ऐसी जैम करता है कि जी उसको कुछ नहीं पता, दिन हो गए, रात हो गई, कुछ नहीं पता, वही सो गए, वही गिटार पड़ा हुआ और दूसरे उठे और गिटार बजा लिया, तो ही इज टू गुड, टू गुड मैन। अबे यार वो लास्ट टाइम में मिला था मुझे तो आई थिंक आई रिमेम्बर नूरी आया था यहाँ डैलस में, तो नूरी के साथ आया था वो, बट उससे पहले मैं जब माइलस्टोन्स के टाइम में था तो आई रिमेम्बर ही वाज 14 इयर्स ओल्ड मैन और 15 इयर्स ओल्ड मैन, इतना यंग सा बच्चा, इतना जबरदस्त गिटार, हम लोग यूं शक्ल देखते थे हम लोग यार खुदा को मानो ये क्या चीज है, कितना जबरदस्त गिटार है। और उसी टाइम में मेरे साथ गंभी भी होता था, एंड आई रिमेम्बर ड्रॉपिंग उसकी मॉम से परमिशन लेके मुझे प्रैक्टिस पे लेके आना पड़ता था, ये अली टीम किया और जियाद किया, तो वो टाइम में डिफरेंट था। आई मीन नाउ यू गाइस हैव अ लिटिल बिट मोर, आई थिंक आपको सोशल मीडिया मिल गया है, तो हाउ आर यू थिंकिंग कि ये क्या कैसे अफेक्ट किया आपको, क्योंकि हम लोगों ने तो उस जमाने में बड़ी मेहनत की, पता नहीं हम लोगों को जानता भी है कि नहीं जानता हमें तो, लेकिन You guys are coming up with videos, अब आप लोगों का चांस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग और करो, I mean, can you do more from your side, क्योंकि आप लोगों के पास है अभी time, and you can shine, you know. जिस तरह के efforts, आप लोग जिस तरह के shows, ये देखिए अब एक community है ना, at least मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और after this, inshallah, lots of people knows about me. ये होता है पहले जो होता था ना जी टीवी पे अगर आप आ गए तो पहचान के यार मैंने देखा आपका गाना, अब चैनल इतने हो गए तो पता ही नहीं चलता, अगर आपका गाना चल भी जाता है तो लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो,
कि अजिया गाना आया था या एक ही म्यूजिक चैनल्स भी इतने ज्यादा नहीं है, बेसिकली सोशल मीडिया ही है आपका जो जो है, आप अपने गाने करते हैं और वीडियोस करके डाल देते हैं और उसके ऊपर जो भी होता है, लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स आ गई हैं जो आप उन सेगमेंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने अभी दो तीन नाम नहीं लूंगा चैनल्स की भी, लेकिन उसमें कुछ एग्रीमेंट उन्होंने थोड़ा सा टाइट इतना कर दिया कि बंदा बाउंड हो जाता है। यानी आर्टिस्ट अगर अपना गाना दे दिया ना तो वो बेचारा बाउंड हो गया, अब वो कहीं अपना गाना नहीं चला सकता, या बहुत सारी चीजें हैं ऐसी एग्रीमेंट, उनको थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, आर्टिस्ट को रिलीफ देना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एक गाना पहले पहले मुश्किल होता था गाना रिकॉर्ड करना, आई थिंक अगर आपको याद हो प्रो स्टूडियो होता था गुलशन में, प्रो रॉडी साउंड इंजीनियर अगर आपको याद तो उधर हमने पहला हमारा रज्म का जब हमने एल्बम रिकॉर्ड करना शुरू किया तो हमें पता है कि जी रमजानों में ये होता था क्योंकि दूसरे दिन जी दिन में आपने आना है तो रमजान है, तो अभी मोस्टली इन दिनों में ये होता था रमजानों में रिकॉर्डिंग ज्यादा होती थी क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करते, मैं बताता था लोगों को रमजान में शाम के वक्त सब लगे हुए होते थे क्योंकि वो शोज बंद हो जाते थे, तो वो कहते थे यार रिकॉर्डिंग साइट पे आ गए, तो हम जाते थे हमें बस में टंके टंगे हुए जा रहे हैं और वहां पर जाके गिटार लटकाए हुए और वहां रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक गाना रिकॉर्ड करना बड़ी बात होती थी और गाने की वीडियो बन जाना वो तो बहुत ही, वो तो पता नहीं वो तो वीडियो बन गई आपकी और किसी ने बना दी तो अल्लाह ही अल्लाह है वो तो। लेकिन अभी चक्कर ये है कि वीडियोस बन भी जाती है, चल भी जाती है और लोगों की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने ग्रुप्स बने हुए, यार मेरे 5,000 लोग मुझे सुनते हैं, 4,000 लोग सुनते हैं, 10,000 लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, छोटा सा शो है मैंने परफॉर्म कर लिया, तो अभी आर्टिस्ट को रिलीफ तो मिल गया, लेकिन फिर भी अभी लिटिल बिट और बूस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा मतलब और सपोर्ट चाहिए कि प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि शोज ऑर्गेनाइजर्स जो है वो नए लोगों को और चांस दे, ये भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि वो एटलीस्ट नए सिंगर्स को भी आगे पुश करें। ये कामी भी यही बोल रहा है, कामी बोल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द चैनल्स डोंट एंड रिकॉर्ड लेबल आर नॉट फेथफुल और ऑनेस्ट विद द आर्टिस्ट व्हिच इज ट्रू। ये हमने देखा है, बहुत हुआ है ये सब, बेचारे आर्टिस्ट के साथ बहुत हैंड होता है ये, और हम लोग और द थिंग इज कि यू गाइस द न्यू लाइक कामी, मैं कामी को आई मीन इट्स लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी मैं यही एडवाइस दूं आपको, आप वो तो करता है मुझे पता है कामी, तो आपको भी दूं कि यूज द सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, और इसमें आई मीन आई नो यू गाइस नो ऑलरेडी कि कितना मोनेटाइजेशन है अगर आप सर्टन सही तरीके से करें यूट्यूब पे या सर्टन और प्लेटफॉर्म पे, तो यू नीड टू सेल दैट इन द वेस्टर्न स्टाइल लिटिल बिट, क्योंकि अब इवन अमेरिकन बैंड वगैरह सब यही कर रहे हैं। लेकिन यूसुफ मैं एक आपकी बात काटूंगा इस जगह पर, देखें आप ये बात सही कह रहे हैं, देखिए अगर मेरी लिस्ट में 2,000 लोग हैं ना मेरे तो जरूरी, देखिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर अगर वो अपने लोगों का सपोर्ट करते हैं ना कि वो शेयर करें। यार ये मुझे प्रॉब्लम दिखती है, मैं सॉरी कहता हूँ बहुत सारे लोगों को, मुझसे लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हमारी कौम में ये प्रॉब्लम है कि वो जो ना कि यार ये ऊपर जा रहा है इसको नीचे कर दो राइट। बाकी आप बराबर वाले मुल्क में देखें, मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, उनका छोटा सा कोई गाना कवर ट्यून बनाता है उसके 1.5 मिलियन व्यूज होते हैं यूट्यूब पे, मैंने कहा यार ये तो कल निकला है गाना और 1.5 मिलियन कैसे हो गए इस पे, तो वो शेयर करते हैं, लोग एक सपोर्ट करते हैं शेयर करते हुए, थोड़ा आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये होता है कि यार आपके करीबी जो दोस्त हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि अगर आपके 2,000 लोग शेयर कर लें तो 2,000 से आगे आपके जो दूसरे जो फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट यार 1,000 तो 500 तो शेयर करेंगे ना, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ये होती है फॉलोइंग, इस तरह फिर आपके गाना निकलता है। लेकिन अगर आप वही कम्युनिटी में रहकर आपने कर लिया और वही चल रहा है और आपने आपके अपने फ्रेंड्स और दोस्त यार ही नहीं कर रहे सपोर्ट, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जेलेसी का एक बहुत बुरा फैक्टर है पाकिस्तानी हमारी कौम में है, कुछ गड़बड़ है क्यों पता नहीं, मुझे लगता है अभी कामरान भी यही कह रहे हैं in the I mean I believe 100% what he's saying, he says in our time we were very close as musicians and we used to help each other like brothers. Aur meri ka kamran se baat hui thi thode din pehle, he was talking kar rahe the ki maine aapko bataya tha ki aapke wo jo time tha dekhiye na competition tha us time pe music us, lekin competition ye tha ki kitna acha music karna, aapas mein jealousy nahi thi, aapas mein ye nahi tha, aap log baithte bhi the milte bhi the सब चीजें, तो ये चीज याद है कि अली अजमत जियाद के पास हम लोग जैम करता था, वो उस वक्त आई थिंक जुनून ज्वाइन कर रहा था या नहीं कर रहा था,
लेकिन अब आई रिमेम्बर ही वाज मूविंग फ्रॉम लाहौर टू कराची एट दैट टाइम, तो उसका गाड़ी नहीं थी, आई मीन स्ट्रगलिंग टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आई मीन आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, बट आई यूज्ड टू पिक देम अप एंड मुझे कोई नहीं जानता होगा, बट आई एम सेइंग दैट वहां पिक करना, एक दूसरे को साथ म्यूजिक बजाना, अली टीम ने मुझे ले लिया बिला वजह के लिए, पता नहीं उसको जरूरत नहीं थी मुझे लेने के लिए, बट जस्ट बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक बैकग्राउंड, अमेरिका से बजाता हुआ आ रहा था मैं, तो ले लिया, लेकिन एक हेल्प करते थे एक दूसरे का। अभी भी हम लोग का यही गोल है इस प्लेटफॉर्म से कि यार एक दूसरे की हेल्प करें। अभी मैंने खालिद से बात कर रहा था, खालिद शोएब भाई से, कि वी आर डूइंग अ कॉन्सर्ट इन डैलस नेक्स्ट दिस फ्राइडे एज अ पाकिस्तान डे, जिसमें मेरा बैंड किस्मत बजा रहा है, बट वी हैव पुश्ड टू गेट हिम हियर, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार वो अमेजिंग सिंगर है, उसको कोई सुने यहाँ पे डैलस में तो पागल हो जाएंगे लोग ना, तो ये चीज करनी चाहिए हमें, यानी क्योंकि जैसे अब हमारे ग्रुप में कामी है, अहमद रेहान है, ये प्रमोटर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, दे नीड टू दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो इसलिए कर रहे हैं हम लोग, तो आई थिंक इसी तरह चलेगा यार ये अगर हमारा ग्रुप और बढ़ गया ना माशाल्लाह, तो इसी तरह हम हेल्प करेंगे। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे लोग हैं, सिंगर्स, देखिए मेरे पास, मुझे मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, मेरे पास एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरे पास सिंगर्स भी आते हैं काम करते हैं, और इतना अच्छा काम होता है, लेकिन मसला ये है वो जब गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि ये जाएगा किधर, अब वो फिर भागते रहते हैं यार रैकेट लेवल, वो कहते हैं जी अभी ये कर ले, वो कहते हैं ये साइन कर ले, वो कहते हैं यार अगर हम ये साइन कर लेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या, आप गाना भी ले लिया, पैसा भी हमारा लगा था, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, हमें प्रमोशन भी मिल रही, और आप कह रहे हैं एक साल तक आप पूछना भी नहीं, पलट के नहीं देखना हमें, तो यार ये तो ज्यादती है। ज्यादती है यार, मुझे पता है बहुत सारी कहानियां हुई है ऐसी जबरदस्त किस्म की। The thing is कि nowadays nobody needs a record label, right? You can publish as an artist yourself. और यू कैन क्रिएट, आई मीन हमारा भी एक रिकॉर्ड लेबल है, हम लोग करते हैं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प अननोन आर्टिस्ट गेट देयर वीडियोस टुगेदर, और प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो वी नेवर, मी एंड माय ब्रदर, वी नेवर गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट मनी वाइज, बट वी जस्ट डूइंग इट फॉर द खुदाई के लिए, राइट? कि वो एक हमारा दोस्त है अली टिम का, और मेरा अली सलमान इज अ बिग एक्टर इन पाकिस्तान, बोल पे भी आता है, तो उसका ये कहता है यार खुदाई के लिए कर रहे हैं आधे काम, तो आधे काम हम लोग सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं पैसे के लिए, राइट? तो That's how it's supposed to be. तो यार यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं आपके, कामरान जिलानी नाट आपको सुनाया, आयशा कह रही है कि या हमारे यहाँ अल्लाह से वापस ले लेते हैं लोग, मेंटेलिटी डिफरेंट है पाकिस्तानी मिजरा, मिजबा इज सेइंग हाय अगेन, कामी जी इज लॉन्चिंग अ रिकॉर्ड लेबल विल हेल्प एस्टैब्लिश एफएमिंग, ऑलराइट मैन, वी शुड हियर फ्रॉम यू यार, जबरदस्त। तो यार ज़ीशान कुछ और आप बताएं कि आई मीन वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास तो यहाँ सजाद भाई भी हैं, वो अली हैदर भी हैं, ये सब देख रहे होते हैं मुझे पता है क्योंकि मेरी अली हैदर से बात होती है, तो दे ऑल वाचिंग दीज शोज, क्या कुछ यार उनके बारे में कुछ कवर ट्यून आप किसी के, सजाद भाई क्या आपको पसंद था? मुझे सजाद भाई के तो सारे गाने माशाल्लाह से इतने खूबसूरत है, लेजेंड है वो, लेकिन सजाद भाई का एक गाना अक्सर मैं ज्यादातर हम शोज में भी मेरा बैंड जो हम लोग कवर करते हैं जब परफॉर्म करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। ऐसा लगा कोई पास है, जीवन की राहों मेरे साथ है, देखा जो हाथ बढ़ा के उसमें के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले, रातों को मैं न सोया, सब कुछ तो मैंने खोया, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए, आँखों मिली के टूटा सपना, कोई नहीं जिसे कहूँ मैं, आँखों मिली के टूटा सपना, कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना, चलता रहा दिन खुल गया
और मैं तन्हा ही जो हाथ सपनों के रेशमी धागे तुझे मिले रातों में न सोया सब कुछ तो मैंने खोया तेरे लिए कोई नहीं जिसे कहूँ मैं अपना कोई नहीं है अपना यहाँ कोई अपना Wow, man. क्या ट्रिब्यूट है आपका यार सज्जाद भाई के लिए, क्या बात है हो गया था, लेकिन कि आपने बोला सज्जाद भाई भी देख रहे तो जाहिर सी बात है यार मैं तो सज्जाद भाई क्या सामने गाना यार आई मीन एवरीबडी वाज लविंग इट. द थिंग वाज ब्रेक हो रही थी कहीं पे वॉइस ना, वो आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का मसला है शायद वहां से हो रहा था, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था आपका आवाज ना थोड़ा, बट ओवरऑल इट वॉज गुड एंड लव योर कीबोर्ड पियानो एंड तो व्हाट एल्स आई मीन आप मुझे मिसबा पूछ रहे हैं कि यार शेयर योर म्यूजिक, कुछ अपना म्यूजिक भी बजाएं कुछ. मैं नेक्स्ट सॉन्ग आंखों में क्या चेहरा तेरा देखो ना जाने क्या हुआ लम्हों की थी कुछ परछाइयां देखो ना जाने क्या हुआ वाओ 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 सुनी सुनी सी आंखों में बीते हुए लम्हे हैं जो हुआ उसको तू भूल जा हाँ जिंदगी के हर पल में मैं तेरे साथ हूँ खुद को न दे तू यूं सजा आँखों में क्या चेहरा तेरा देखो न जाने क्या हुआ लम्हों की थी कुछ परछाइयां देखो ना जाने क्या हुआ वाओ मैन ये तो ये वो चेहरा डिफरेंट था ये चेहरा डिफरेंट है वो आंखों में क्या ये वो दूसरा जो है वो चेहरा है आई नो दिस इज ऑल्सो गाने की ज्यादातर चेहरा और आंखों की बातें की होती है वेरी गुड तुम्हारा स्टाइल इज अ पॉप रॉकिश राइट यू ब्लेंड इनटू दैट एरिया और तो अभी कुछ और जो नया एल्बम जो तुम कह रहे हो बन गया है उसमें कितने गाने हैं क्या यू विल रिलीज एज एन एल्बम और वुड यू रिलीज सिंगल सेवन सॉन्ग्स जो है ऑलमोस्ट आपकी आवाज सारा सॉन्ग जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं फाइनल जो टचिंग होती है मास्टरिंग मिक्सिंग मास्टरिंग चल रही है और इंशाल्लाह देखें अभी दो सॉन्ग्स की वीडियोस मेरी हो रही हैं और वो बहुत जल्दी ऑन एयर होंगी तो लेट्स सी आई डोंट नो कि अभी एल्बम की देखें
अगर कुछ डील अच्छी मिल जाती कुछ होता तो जरूर मैं एल्बम रिलीज करूंगा किसी रैकेट के साथ, अदरवाइज मैं सिंगल रिलीज करूंगा। क्योंकि देखिए म्यूजिक मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, और कुछ ऐसा होना कि कम से कम मुझे अप्रिशिएशन मिले कि यार अप्रिशिएट करे कि यार हाँ ठीक है आप एल्बम रिलीज करें और उसका कुछ आउटपुट मिले, एटलीस्ट मनी बट एटलीस्ट यार वीडियोस। आवाज आई थिंक कट रही थी आपकी। आई थिंक वी लॉस्ट ज़ीशान, विल टेल हिम टू कम बैक वन सेकंड गाइस। आ गया है ज़ीशान वापस, मैं उनको दोबारा लेके आ रहा हूँ। हाँ ज़ीशान यू बैक मैन, टेक्निकलिटीज हो गई गड़बड़। हाँ जी सर, हाँ आप आ गए वापस, आपको आ रही आवाज? हाँ आ रही है आपको आवाज? ज़ीशान हाँ मुझे आ रही है आपकी आवाज। आई थिंक वी लॉस्ट ज़ीशान अगेन। let's wait. Great stuff Yousuf Beg Imrana. Oh bhai meri bhabhi bhi dekh rahi hai yaar, ab acha karna padega program. Ahmed Rehan sach sur laga gaye, net down ho gaya. To Zeeshan is coming back man, don't go. Abhi mujhe ek do cheeze puchni thi unse apne. Kahan hai Zeeshan? Haan Zeeshan aa rahe ho tum online? Okay Zeeshan. वो अहमद रेहान बोल रहे हैं आपने ऐसा सुर लगाया कि वो नेट डाउन कर दिया आपने। अच्छा अहमद रेहान ने पूछा यार कि वो मैं पूछ लूं उससे पहले कि वो मुझे, फिर बाद में मीटिंग होती है हमारी हर प्रोग्राम के बाद और डंडे पड़ते हैं सेट किस्म के अंदर ग्रुप में हमारे, यार ये नहीं पूछा ये नहीं करा तुमने यू नहीं हुआ राइट। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं एज अ म्यूजिशियन If you like to comment on Mehvish Hayat's music as a singer, especially her Coke studio performance and project, what do you say, man? Now ये तो अब sibling के बारे में सवाल आ गया। आपको आ रही आवाज? अरे यार क्या हो गया, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ज़ीशान, can you hear me? Hello. हेलो ज़ीशान आप हैं वहां? अच्छा नहीं है अभी। आई नीड टू मैसेज हिम लिटिल बिट, वन सेकंड मैं आप लोगों को अभी लेता हूं जब तक मैं इनसे बात कर लूं, लेकिन आपको मैं उनके पीछे म्यूजिक चलाता रहता हूं। कैसी बात, जबरदस्त राइट। ज़ीशान वेयर आर यू? बैक आ रहे हैं वो और एक्टिव नाउ है वो। तो इनका एक गाना है जो मुझे पसंद हमेशा से था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ज़ीशान ने गाया हुआ था। सॉरी वो मैं बैंड के नाम से ही जानता था, फीडबैक वो मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन इनका ये गाना है ये आपको सुनाता हूँ जब तक वो आते हैं। यार ये जरा टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, पाकिस्तान से मुझे हम लोग जब भी लिया है कोई आर्टिस्ट तो जरा सा वो होता है लैग होता है क्या होता है, लेकिन आप सुन रहे हैं अभी ज़ीशान का। जब तक मैं वेट कर रहा हूँ वो आ जाए। सब का तुम्हारा
जाने क्यों ऐसा किया जी. So, one second, I'm gonna take him back. आई थिंक उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है जरा सा लगता है मुझे. चले मैं उनको ट्राई कर रहा हूं एंड आई थिंक कॉल बैक मिस कॉल फ्रॉम ज़ीशान कॉल अगेन. यार ये तो होता है ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में राइट. क्या था शाहरुख खान का डायलॉग हम लोग देखते सब है इंडियन मूवीज लेकिन हम लोग प्रॉब्लम होती है मैम बात करते हुए. दो मिनट दे यार आप लोग. ये बेचारा यार वो आई थिंक ही इज ट्राइंग फ्रॉम देयर उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है. और आई थिंक नेट जो है वो यमी डाउन हो गया. चलो यार कोई नहीं आई मीन नेट आपका अब आ गया वापस दैट्स ऑसम. मैं आपको आपके गाने बजा रहा था यहाँ पे पीछे. मैंने कहा यार जब तक आप नहीं आते हो आपके गाने बजा लेता हूँ. आपका वॉल्यूम कम हो गया एकदम से. हाँ वॉल्यूम एकदम चेंज हो गया कम हो गया बिल्कुल. अच्छा कम हो गया मैं यार बढ़ा देता हूँ यहाँ से. आपको आ रही मेरी बात. मुझे तो आपकी आ रही बिल्कुल सही. हाँ आपको आ रही आवाज. अरे क्या हो गया भाई वॉल्यूम. हेलो आ रही है आपको नहीं आ रही. तो यार मेरी तो वॉल्यूम है फुल. आपको नहीं आ रही. यार मैं लोगों से पूछता हूं उनको आ रही है हमारी आवाज की नहीं आ रही. अच्छा नहीं है अभी. क्या हो गया भाई बोलो. अच्छा मेरी आ रही है वहां पे आवाज. आ रही है बोल नहीं आ रही. बहुत दूर से आ रही है. अच्छा लेट्स ट्राई दिस. यार आ रही है इनको बाकियों को आ रही है हमारी आवाज. हेलो ज़ीशान आ रही है आवाज नहीं आ रही तुम्हें. अच्छा आई थिंक यार तुम्हारी साइड पे वो हो रहा है कि योर वॉइस इज म्यूटेड. अपना वॉल्यूम बढ़ा दें या कोई नहीं कोई नहीं. ऐसी बातें होती रहती हैं यार. जॉइन बैक मैन कैन यू. तो देखते हैं आगे अगर वो तो सही है वील कैप्चर द लास्ट रिमेनिंग पार्ट. अदरवाइज अडियोस अमिगोस. आज का प्रोग्राम ऐसे ही गया. अब सही है. अब आ रही है यार. आई थिंक वो नेट पे प्रॉब्लम थी आपके. परफेक्ट परफेक्ट. हाँ तो वी गॉट फ्यू क्वेश्चंस. आई थिंक कुछ लोग आ गए यार. देखो यार वापस आ गया यार ज़ीशान. ये होता है टेल नेट न्यूट्रलिटी. राशिद हाशमी कह रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी हो गई भाई यहाँ पे. तो ये होता है यार छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें. सॉरी उल्टा था वो शाहरुख खान का डायलॉग कुछ और था. तो भाई यू आर फाइन फाद फारूक. और यूसुफ आवाज आ रहा ही है.
अहमद रेहान कह रहे हैं, चलो सही है यार। तो यार आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू वांट टू से, आई मीन टू वो जो महवेश के बारे में, आपकी सिस्टर के बारे में पूछा था सवाल एक, फिर या कुछ हाँ। भी आप, या आप बताएं। नहीं मुझे मुझे सवाल वहीं से कट गया था ना, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी, वन टू वन टू हो रहा था, तो दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि आप कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन ये था अहमद रेहान का, हु इज वन ऑफ आवर ग्रेट म्यूजिशियन एंड प्रमोटर एंड बहुत ही जानते हैं म्यूजिक को एंड इंडस्ट्री को अच्छी तरह, तो उनसे वो पूछे एज अ म्यूजिशियन इफ यू कैन लाइक टू कमेंट ऑन महवेश हयात म्यूजिक एज अ सिंगर, especially her coke studio performance. I think she did a good job. I think usne jo kyunki Mavish ke teen tracks main khud kar raha hu compose. Oh really? Mavish ka ke album pe bhi main kaam side pe chal raha hai, wo ek side project hum log kar rahe hain saath, aur Mavish ke teen track main kar raha hu, to as a musician, as a music producer, she's good. जब आप अपने सिबलिंग के बारे में बात कर रहे हो तो एक बायस होती है ओपिनियन, राइट, बट ओवरऑल आई थिंक शी हैज प्रूवन के वो कोक में आके और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया जब भी उनके टूर्स हो रहे हैं, वरना क्यों होंगे टूर, राइट। तो या तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या विल शी रिलीज, जो आप म्यूजिक बना रहे हो, will she release solo or it'll be like album or क्या कर रहे हैं? देखिए अभी अभी तो I don't know कि decide नहीं किया कि album करेंगे या नहीं या solo करेंगे, लेकिन अब देखिए ना एक घर में music producer है और singers भी है, तो जब get together होती है तो कुछ ना कुछ साथ हम बैठते हैं, थोड़ी सी jam कर लेते हैं, तो कुछ चीजें हैं और वो खुद भी गाती है, मतलब वो शुरू से सिंगिंग वो करती है, लेकिन कभी उसने प्रोफेशनली इस तरह नहीं किया जाके, क्योंकि वो ज्यादातर एक्टिंग साइड पे, लेकिन उसको मैंने फोर्स किया कि यार तुम्हें करनी चाहिए सिंगिंग, क्योंकि एक तुम प्रॉपरली गा रही हो, अच्छा गा रही हो, मीन्स अगर तुम उस पर रिकॉर्ड करो तो आई थिंक इट्स गुड। तो उस पे मैं तीन ट्रैक्स मैंने उसके मैंने कर लिया ऑलमोस्ट, और बस ये कि वो उसका ये होता है कि उसकी शूट्स और रिकॉर्डिंग्स ये होती है कि टाइम बड़ा कम मिलता है, और आपको पता है म्यूजिक के लिए आपको टाइम प्रॉपरली चाहिए रिकॉर्डिंग्स के लिए, और तो ये है कि जब जितना हमें टाइम मिलता है हम उसको फिर बैठ के देख लेते कर लेते, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ लैक है फीमेल सिंगर्स की पाकिस्तान में, तो और ये जो गैप है पूरा हुआ आई थिंक लॉट विद कोक स्टूडियो ने भी एड किए बहुत सारी फीमेल सिंगर, मुझे लगता है कि दे वर ऑल अमेजिंग, क्योंकि वैसे जो हमने काम किया था माइलस्टोन में कैंडी थी एक, वो एक अलग टाइप की सिंगर थी, अधिका आई वो भी एक अमेजिंग सिंगर है, उनसे बात करेंगे अभी हम, लेकिन उसके बाद दे वो द गैप, राइट, कोई भी आई नहीं, फिर कोक में हमने जोई को सुना, फिर आपकी वो सनम आई, वो फिर आपकी बहन आई महवेश, और फिर बीच में और भी आर्टिस्ट आए, मैं भी नाम बोल रहा हूँ जिससे अभी हमने इंटरव्यू लिया था, जेब बंगश, आई मीन अमेजिंग टैलेंट मैन, दीस पीपल। क्या हुआ कि पाकिस्तान में जरा सा मुझे लगता है कि जरा ओके हो गए लोग फीमेल सिंगर को सुनने के लिए, पहले लगता था कहते हो नहीं यार ये बड़ी बुरी बात है, अरे बड़ा बुरा प्रोफेशन है औरतों की, लेकिन आई थिंक गर्ल्स लाइक महवेश अफशीन विल चेंज दैट, बिकॉज पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, क्योंकि यार अभी मैं महवेश एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं मेरे जो जो ओपिनियन है महवेश का वोकल टोन जो है जिस तरह का मैं अभी म्यूजिक कर रहा हूँ, तो मुझे उसके वॉइस उस पर बहुत अच्छी लगी, जो जो मैंने गाने डिजाइन किया, मैं क्या गाओ, और वो कंफर्टेबली उसको उसने गाया और प्रॉपरली। अफशीन की जो जो वोकल क्वालिटी वो टोटली डिफरेंट है, और जो अगर आपने रामा इन लोगों का अभी सुना हो, रामा तक जो चल रहा है, वो एक टोटली डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट थीम है, जिसमें रसल ने बेस किया, मतलब एंड कर दिया कोई इतना एंड, रसल तो एंड है वो, उससे मैं लाते हुए डरता हूँ कभी कभार शो में कि भाई वो शो होने वाला है रसल के साथ, समझ नहीं आ रही उसको मैं कैसे म्यूट करूंगा और कैसे ब्लीप 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 करूंगा, लेकिन अमेजिंग म्यूजिशियन यार वो, क्या बेसिस है पाकिस्तान में बेसिस, I mean, amazing. उसको लेकर आएंगे, उनका अलग एक टॉपिक होगा, बट मेरा गोल था कि ज़ीशान हयात
जो है ना वो नेम को मैं प्रोजेक्ट करना है मुझे 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 बहुत लोगों ने बोला यार सबको लो एक साथ ले लो सारे बहन भाई को, मैंने कहा नहीं 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 यार पहले आई गॉट टू डू सेपरेटली, क्योंकि दिस इज वो एक होता है क्योंकि फैमिली में होता है ना इट्स वेरी हार्ड टू शाइन, एक एक नाम ज्यादा फेमस होता है कम होता है, बट मैं सबको वो देता हूँ कि राज कपूर की फैमिली है सारे उसमें आर्टिस्ट हैं यार, दे हैव लाइक फ्रिकिंग 3 generations ऑफ आर्टिस्ट, बट सब शाइन हुए, सब शाइन हुए, सबका अपना टैलेंट है यूनिक, तो दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट, यू नो अपना करते रहे आप बहन भाई के साथ सबके साथ मिलकर करें, बट सबका अपना टैलेंट होता है, तो व्हाट एल्स डू यू दूसरे सिंगर्स हैं उनके साथ भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, तो डिपेंड करता है, अभी एक एक मुझे किसी ने डेमो भेजा था और वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ कोई चीज करें हम लोग साथ मिलके कोई चीज प्रॉपरली, क्योंकि वो बेसिकली उनका रैप जॉनरा था, रैप टाइप का सीन था उनका जिस तरह हम करना है, लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं थोड़ा सा मेलो करूं और वो उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ भी मेरी सेटिंग चल रही है, तो 2-3 प्रोजेक्ट मैंने अभी बीच में बिग बैंड थ्योरी के नाम से एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने प्रोड्यूस किए थे दो ट्रैक्स, उसके अंदर एक कवाली थी और एक पुराना अफशीन ने ट्रैक किया था और एक कवाल ब्रदर्स हैं उनके साथ ट्रैक किया था, तो मैं इस तरह की एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, देखिए जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी कोई नई चीज निकल के आती है, तो तो कोई चीज बजाओ यार, वो मिसबा बोल रहा है कि कुछ सॉन्ग बजाओ यार अपने, कुछ भी सुनाओ, और इमरान भी आ गए हैं लाइव वायर्स के, वो भी देख रहे हैं, फिर वी हैव लाइक सो मेनी गाइस मैन के जो सारे म्यूजिशियन हैं, कुछ आप सुनाओ अपना, क्योंकि म्यूजिशियन ही आपका वर्ल्ड आगे लेके जाएंगे दूसरे। अच्छा मैं आपको मेरे बहुत अच्छा दोस्त है उसका सॉन्ग मुझे मैं सुनाता हूँ, अली खान का एक सॉन्ग है वो, अली खान साथी वाला, साथी बहुत बहुत अच्छा म्यूजिशियन, बहुत उम्दा है यार उसका गाने यार जबरदस्त, मतलब उसके एक गाना मुझे बड़ा पसंद है सुरमई आंखों में, ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये चेहरा आपने सुना था अपना ISP पे सुरमई आंखों में, वो आपकी रिकॉर्डिंग किसी ने रिलीज कर दी थी तो अली का भी इसी तरह चल गया, अली कहता है मेरा गाना चल रहा है और मतलब माशाल्लाह उसका गाना बहुत अच्छा, तो वो मुझे बड़ा पसंद है, वो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। दूरियां ये कैसी पास क्यों नहीं तुमको मेरे जैसी पास क्यों नहीं बरसों की इस दूरी को एक पल में मिटाओ ना सुरमई आंखों में मुझको तुम समाने दो ना मखमली बालों को चेहरे से हटाने दो ना आओ ना बाहों में तो मेरे पास आओ ना सुरमई आंखों में मुझको तुम समाने दो ना फासले मिटा दो देखो तो जरा राह में किसी की तन्हा था मैं खड़ा अरे यार आवाज चली गई खुदा को मानो यार अली जीशान आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद हो गई।
आवाज, आप दोबारा जाके आए, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ दोबारा जाके आए। आई थिंक यार ये बड़ा ही जबरदस्त सुर, इतना अच्छा लगता है कि आवाज की चली जाती है जबरदस्त। क्या बात है भाई। अबे यार नो यार, ये क्या इंटरनेट नहीं चलता क्या पाकिस्तान में? मैं बहुत साल से नहीं गया हूँ। चक्कर क्या है, वाईफाई गड़बड़ हो रही है, ये क्या सीन है? विल ट्राई अगेन मैन। लगता है जीशान आ गया वापस, फिर होपफुली। यार ये पता नहीं, आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है उनके यहाँ। 100% आ गई यार, आप आ गए, आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अभी हाँ यार, आई मीन आई थिंक नेट का या तो वाईफाई का मसला है, कुछ है गड़बड़। ये यार ये कराची का इंटरनेट नहीं डेफिनेटली यार, आपका आई मीन आई नो वी टॉक्ड अ लॉट देन डिस्कस, बट आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत उम्दा आपसे बातें हुई हैं। मुझे और भी बातें करनी है, क्योंकि लेट्स प्लान, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा अभी, तुमने बताया था कि यू आर डूइंग वारेज म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट, उसके बाद तुम फिर बिजी हो जाओगे टूर हाँ में, राइट? तो व्हेन जी कैन यू कम बैक मैन विद द होल ग्रुप, या आप भी आओ अलग, आप आपकी सिस्टर्स भी आ जाएं, कब कब कर सकते हैं? आई थिंक प्लानिंग है अगस्त में इंशाल्लाह, यूएस का टूर का हो रहा है लाइनअप हमारा, तो अच्छा इंशाल्लाह 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 अगस्त के अंदर यूएस का है, ओके जबरदस्त। और जून जुलाई में आई थिंक यूके है, तो लेट्स सी। ग्रेट प्लेटफॉर्म यार, आई मीन आई नो कि उन लोग, कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती प्लेटफॉर्म्स की, राइट? बट मुझे लगता है कि यहाँ पे फैन जो है ना, वो आके आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, वो एक अलग फीलिंग होती होगी लोगों को, राइट? बिल्कुल तो और आप चाहें कि आई मीन और आए इस पे यार, आपने जब रिलीज करो नया गाना तो हमें बताओ, वी विल शेयर इट हियर, यू कम अगेन, और अपने नए एल्बम के बारे में बताना जब रिलीज कर रहे हो। तो आई थिंक इंशाल्लाह व्हाट एल्स डू यू वांट टू से, बिकॉज देन वी कैन से गुड बाय टू दीज गाइज, एंड वो इट हैज बीन एन ऑनर भाई मेरे लिए, तो कि मेरा फेवरेट गाना वाला बंदे से मैंने बात कर ली दोबारा। आई नेवर न्यू दैट यू आर द सेम गाय, सॉरी ये बताया, बट फीडबैक से मुझे मशहूर था यार वो दिमाग में। थैंक यू सो मच। नहीं मैं तो थैंक्स, मिसबा भाई का भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने माशाल्लाह से लेजेंड्स और बड़े सिंगर्स सारे क्रीम है म्यूजिक की जो पूरी अभी सब बैठे हुए हैं, तो मैं सबके लिए थैंक्स सबसे कहूंगा। रेहान भाई हो गए, अपना खालिद भाई हो गए, आप हो गए, तो थैंक यू सो मच। और ये चीज जो आपने स्टार्ट की, अल्लाह आपको और इसमें कामयाबी दे, गॉड ब्लेस यू गाइस। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आया आज। ऐसा लग रहा है कि आप एक होते हैं ना, गेट टुगेदर अपने दोस्त यार बैठे होते हैं, और तो बेस्ट पार्ट है कि हम लोग को ये टीवी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गालियों के अलावा आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि गालियां बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे फिर, राइट? बट मेरे सामने आप जो दिल में आया वो बोलो, क्योंकि ना यहाँ पे कोई हमें, क्योंकि हम तो फ्री में कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री में कर रहे हैं, कोई हमें कुछ कह ही नहीं सकता, और प्लेटफॉर्म ही ऐसा है हमारा, क्या करें। और यहाँ पे दिल की बड़ास निकालो यार, म्यूजिशियंस हो जो भी दिल में है बताओ, गाना सुनाओ, हम लोग सुनेंगे, सुनेंगे हम आइडिया दे सकते हैं बाद में। यू हैव कोलैबोरेशन विद अदर म्यूजिशियन, अभी हमने बात की है तो पता नहीं कितने 8-10 कोलैबोरेशन शुरू हो गए हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, लोग दूसरे आर्टिस्ट से पुराने से दोबारा मिल गए हैं, इट्स अमेजिंग। क्या सिनर्जी जो है ना वो बड़ी जबरदस्त बन गई यहाँ पे। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई मीन मैं मेरे हिसाब से यू टुक आउट टाइम एट द लास्ट मोमेंट, मेरे पे बड़ा प्रेशर था, मैं 3 शोज मेरे कैंसिल हुए, उसके बाद मैंने कहा यार मैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम टर्की यस्टरडे, तो मुझे बहुत प्रेशर था, मैंने कहा आई नीड टू गेट समबडी, एंड दिमाग में तुम थे मेरे पास हमेशा से, बट मैंने बोला यार कब करूंगा मैं तुम्हारे साथ, राइट? तो बट थैंक यू वेरी मच यार, आई एम रियली ग्लैड दैट यू डिड इट, राइट? आपकी आवाज फिर कट गई यार, खुदा को मानो यार, बट आई थिंक द लास्ट वर्ड्स प्रॉब्ली नहीं आएंगे, बट आई थिंक वी शुड एंड, बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन यूएसए वील डू इट अगेन मैन, और या हम आपके दोबारा करेंगे, ओके? टेक केयर मैन, टेक केयर, ऑलराइट,
और आई खुदाफिज गाइज, मैं आपको ज़ीशान की तरफ से खुदाफिज कर रहा हूँ, वो सबको खुदाफिज करें। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो विल टेक बेसिकली ज़ीशान, महवेश एंड अफशीन टुगेदर। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम मेरे साथ आ रहे हैं लाइव वायर्स, और वो लोग एक नया एल्बम रिलीज करने वाले हैं, तो वो लोग आएंगे, उनके गाने हैं, वो लोग अभी तक फॉर्म्ड हैं, अमेजिंग है कि वो लोग दोनों बजा रहे हैं, इमरान और सरोज। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो आएंगे लाइव। देन वी हैव इमरान कामरान जिलानी, आई एम लाइक पुशिंग हिम टू कम एंड डू समथिंग ही इज गोइंग टू डू फ्रॉम एडिट जोन के फेम से। और दूसरे हमारे नदीम जाफरी भाई हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे किसी के, तो जब भी वो हो जाएंगे विल बी टेकिंग हिम, आइदर मी और सम अदर मॉडरेटर विल टेक हिम। देन वी हैव अली हैदर जो आएंगे, वो देखते हैं कब है, वो बिजी बहुत हैं आजकल, तो उनका अपने शोज हो रहे हैं और कुछ हैं, तो वो उनसे बात हुई थी, बट इवेंचुअली दे विल कम। आप स्टे हियर और अपने दोस्तों को बुलाएं यार, आई मीन लोग आस्क देम टू जॉइन दिस ग्रुप, यू नो, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी हम लोग इस फ्राइडे को लाइव हम लोग किस्मत बैंड जो है, जो मेरा बैंड है यहाँ डैलस में, उसमें मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई रजा बेग है जो बहुत लोगों को जानते हैं उन्हें भी, और सलमान भट्ट हूज एल्डर ब्रदर ऑफ फरहान सईद, वो जो जल बैंड का सिंगर, तो वील बी परफॉर्मिंग। खालिद शोएब विल बी अ बिग आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑल्सो इन दैट शो। इट्स अ 23rd March शो है, तो हम लोग लाइव लेने की कोशिश कर रहे हैं एज नजीब, चाय विद नजीब, and it will be a show will be moderated from there where he is in Canada, and then we'll take live. So live concert dikhega yaar aapko, isi tarah hum log agle concerts lenge live, to advertise this group man, kisi tarah log aaye, jitne zyada honge utne artist ko acha lagta hai ki zyada log sun rahe hone. Chalo yaar, thank you very much, bahut baatein ho gayi, gotta get back to other things also. Thank you for joining us yaar, zabardast, take care, aur sorry for the technicalities jo Pakistan mein hoti hai. But we'll talk again, man. Bye.